नमस्ते दोस्तों, डीटीएच टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे इंडिपेंडेंट टीवी के सेटअप बॉक्स का। दोस्तों इंडिपेंडेंट टीवी ने जो सेटअप बॉक्स मार्केट में लाया है वो पूरी तरह से हाई डेफिनेशन सेटअप बॉक्स है और उसका आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक स्मार्ट बॉक्स है, यहाँ पर यूएसबी ड्राइव भी चलता है, यानी कि पेन ड्राइव यहाँ पर चलता है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके साथ एक यूनिवर्सल रिमोट भी आता है और ये व्हाइट कलर के पैकिंग में अवेलेबल है और ये हमें हमारे सामने बॉक्स दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोल फ्री नंबर है इंडिपेंडेंट टीवी का वो दिया गया है और उसके फीचर्स यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल में दिए गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे उसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो दोस्तों चलिए अभी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये इंडिपेंडेंट टीवी का सेटअप बॉक्स है, ये उसके ऊपर सीरियल नंबर का स्टिकर है, उसको हम पूरी निकाल देते हैं। तो ये जो सेटअप बॉक्स है ब्लैक कलर में सेटअप बॉक्स है और इसका जो फर्स्ट लुक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये उसका रिमोट है और ऐसे पैकिंग में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमें रिमोट मिलता है, वो आया रिमोट है, यूनिवर्सल रिमोट है जो टीवी के साथ पेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे पेयर किया जा सकता है तो उसका डिटेल में यहाँ पर बैक साइड में दिया गया है। तो दोस्तों वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हम जो सेटअप बॉक्स का रिमोट है उसको टीवी के साथ पेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर हम घर पर भी इसको पेयर कर सकते हैं या फिर इंजीनियर के हाथों से भी इसे पेयर करके ले सकते हैं। तो इसके साथ एक बैटरी आती है रिमोट के लिए, उसके साथ एक मैनुअल भी दिया गया है। तो दोस्तों ये मैनुअल है यहाँ पर, तो मैनुअल के अंदर जानकारी दी गई है लेकिन उतना खास मैनुअल नहीं लगा मुझे इसका। यहाँ पर इसका अडेप्टर है, अडेप्टर हीवी क्वालिटी का मुझे लगा, अडेप्टर अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक HDMI केबल मिलती है, HDMI केबल इसलिए दी गई है क्योंकि ये सेटअप बॉक्स हाई डेफिनेशन सेटअप बॉक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर से हमें AV केबल ज़रूरी है, हमारे यहाँ पर TV है तो उसके लिए हमें AV केबल बाहर से परचेस करना पड़ेगा। दोस्तों इंडिपेंडेंट टीवी का सेटअप बॉक्स है, सेटअप बॉक्स का जो फ्रंट लुक है वो ऐसा है। तो दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी मुझे कम लगी है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लाइट वेट बॉक्स है। यहाँ पर चैनल चेंज करने के लिए बटन दिए गए, यहाँ पे IF इन है, HDMI का पोर्ट भी दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर AV इनपुट भी दिया गया है, स्मार्ट कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है लेकिन स्मार्ट कार्ड जो है इंटरनली इनबिल्ट है जैसे कि अदर सभी बॉक्सेस में आता है। पावर इन का प्लग भी दिया गया है। सेटअप बॉक्स का लुक हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक है इसका, लेकिन सेटअप बॉक्स बहुत ही हल्का है और उसकी क्वालिटी थोड़ी मुझे कम लगी है। तो इसकी बैक साइड में देखेंगे हम तो फाइबर से बनी हुई बॉडी है इसकी, ओवरऑल ठीक है। इसके जो फीचर्स है वो सारे मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है